राम राम भाई सारे दोस्तों ने। आप जो देख रहे हैं ये है आर्य समाज मंदिर कासिंडी। आर्यों का गांव है कासिंडी गांव, हरियाणा में पड़ता है ये। और अभी जो आप देख रहे हैं ये आर्य समाज मंदिर है। और इसकी जो व्यवस्था है इसके अंदर से भी दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर जो ना दीपावली के अवसर पर हवन चलता है एक सप्ताह लगातार। सामने यज्ञशाला है और ये है आर्य समाज मंदिर। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा व्यू है। और सामने लान है, खुला पेड़ पौधे, और अंदर भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। यहाँ से अंदर चलते हैं तो एक बहुत ही शानदार हाल है, खुला। पूरा एक सप्ताह यहाँ पर हवन चलता है दीपावली के अवसर पर। और अंदर जैसे मेहमान वगैरह कोई आ जाता है तो अंदर उनके ठहरने की व्यवस्था, और साथ में आर्य समाज का प्रचार भी होता है 3 दिन दीपावली पर। ये हाल की व्यवस्था है यहाँ पर। और सामने हमारे संदीप आर्य जी हैं। और यहाँ पर जो अपने यहाँ पर स्वामी जी रहते हैं उनका ये कमरा है। ये अंदर हाल बना हुआ है। और यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुषों के फोटो ये आप देख सकते हैं। बड़े बड़े महापुरुष, योगी, महात्मा या स्वतंत्रता सेनानी, सभी के फोटो यहाँ पर लगाए गए हैं। देवे दोस्तों हमारे साथ हैं संदीप आर्य जी, और कोई ज़्यादा परिचय के मोहताज तो है नहीं, तकरीबन मेरा गांव और बाहर भी बहुत सारे जानते हैं। अच्छा, मतलब इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं। संदीप जी से थोड़ा सा आर्य समाज के बारे में और यहाँ के जो व्यवस्था है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। हाँ जी संदीप जी, पहले तो राम राम। सब भाइयों को नमस्कार। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा जो आर्य समाज मंदिर है, मेरे पिताजी भी पैदा हुए हैं तब से देखते आ रहे हैं, और हमारे अनुमान से बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। और मैं कई बार स्कूलों में जाता हूँ, बाहर भी, गांव से बाहर भी जाता हूँ, तो कासिंडी का नाम आते ही वो एक बात कहते हैं कि ये तो आर्य समाजी गांव है। और पुराना, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के, इतना हमारा पुराना आर्य समाज का प्रचार है। जैसे अपने प्रवीण भाई हैं, और भी जो हमारे आर्य समाज से जुड़े हुए पुराने जो कासिंडी के साथी हैं, उन सभी की मदद से हम दोबारा वही आर्य समाज का जो वर्चस्व था हमारे गांव में, हम दोबारा उसको स्थापित करना चाहेंगे और एक श्रेष्ठ आर्य समाज का इसको दर्जा देंगे और दिलवाएंगे। हवन का प्रोग्राम चल रहा है। हाँ हाँ, तो उसके बारे में कितने दिन चलता है? ये साप्ताहिक हवन चलता है हमारा, जैसे श्याम वेद या कोई भी एक वेद का हवन हम करवाते हैं 7 दिन का। और इसमें छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली को भजन भी होते हैं, जिसमें पाखंड का खंडन है, नशा मुक्ति है। जैसा कि आपने देखा है शराब का बहुत ज्यादा प्रचार हो गया है, 10वीं 12वीं के बच्चे भी शराब पीने लगे हैं। तो हमारी इच्छा है कि आर्य समाज के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से हम अपने गाँव को कम से कम युवा अवश्य शराब मुक्त हो जाए, और भविष्य में ये नशा जो है ये तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, ये भी आर्य समाज जो है अपनी तरफ से प्रयास करेगा। बहुत बहुत अच्छे विचार हैं संदीप आर्य जी के, और बहुत अच्छा लगा मिलकर। अभी बाहर चलते हैं, जो हवन चला हुआ है वहाँ दिखाते हैं आपको। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद जी संदीप जी। और अब आ गए हैं बाहर, और यहाँ पर हवन चल रहा है, और ये यज्ञशाला। ये हवन जैसे कि पहले भी बताया एक हफ्ता, पूरा एक सप्ताह लगातार चलता है दीपावली के अवसर पर।
जहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। आचार्य सोमवीर जी हैं। यद भद्रम तन्ने आशु है अनाहुत
और उस हाथी बात करेंगे और सब जाने से पहले तो साथ में ही जाएंगे। हवन का समापन हो गया है और अभी प्रभात फेरी लगाने की तैयारी है गांव में, तो अभी यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।